हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यमी टमी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज नूडल्स की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बट हाँ, उससे पहले एक जरूरी बात, आप मेरे वीडियोस को जब भी देखते हैं तो उसके जो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए हैं उसे आप ध्यान से पढ़िए, ताकि आपको सारे मेजरमेंट्स, कप्स और जो भी स्पून्स के मेजरमेंट्स हैं उसको करने में आसानी हो। तो चलिए आप फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी। बॉइल करने के लिए मैंने ले लिया है 2 लीटर के करीब पानी, और उसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट, साथ में डालेंगे 1-2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। देखिए पानी अच्छे से उबल गया है, तो हम डाल देंगे इसमें 100 ग्राम नूडल्स, और नूडल्स को हमें फुल फ्लेम के ऊपर चलाते हुए बॉइल कर लेना है 8 से 9 मिनट के अंदर ये बॉयल होके रेडी हो जाएगा। जब तक नूडल्स हमारा बॉयल हो रहा है, हम वेजीज को अपने फ्राई कर लेंगे। तो हमने ले ली एक लोहे की कढ़ाई, और हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और फ्लेम हमारा फुल है। इसमें डाल देंगे हम 2 से 3 ग्रीन चिली, और ग्रीन चिली के साथ ही हमें डाल देना है 1 बोल यानी 1 अनियन। अनियन हमने थिनली स्लाइस किया हुआ है, तो अब हमें इसे 2 मिनट तक फ्राई करना है। तो अनियन हमने 2 मिनट फ्राई कर लिया है, अब हम डाल देंगे कुछ जिंजर। अदरक मैंने छोटा छोटा और लंबा लंबा काट लिया था, साथ ही में 1 शिमला मिर्च लंबे लंबे पीसेस में, और ले लेंगे गाजर, ये भी मैंने 1 गाजर लिया है लंबा लंबा काट के। साथ ही में हम डाल लेंगे इसमें पत्ता गोभी, ये भी 1 बोल काट के लिया है मैंने। सारी वेजीज को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमें वेजीज को क्रिस्पी रखना है, बहुत ज़्यादा इसे गलाना नहीं है, तो हम इसे 2-3 मिनट हाई फ्लेम पर चलाते हुए पका लेंगे। तरीके से आप वेजीज को फ्राई करिए फुल फ्लेम के ऊपर, कि इस पर गोल्डन मार्क्स आ जाए और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। ये देखिए जब तक हमारी वेजीज फ्राई हो रही है, हमारे नूडल्स को हम चेक कर लेंगे। तो हमारा नूडल्स मैंने फिंगर्स से दबा के देखा, ये देखिए इसमें वाइट आ रही है, तो गला नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूद है। तो ये नूडल्स हमारे रेडी हैं, अब इसे छान करके हम ले लेंगे। हम अपने एक बड़े बोल में छन्नी लेकर अपने नूडल्स को छान लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टिप कि आपने जब छान लिया अपने नूडल्स को, तो उसमें 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालकर आप उसे अच्छे से मिक्स करके पानी को सारा छनने दीजिए। इस स्टेप के कारण आपके नूडल्स बिल्कुल अलग अलग रहेंगे और वो चिपकेंगे नहीं। तो ये देखिए वेजीज हमारे अच्छे से गोल्डन होने लग गई है, आप इसे पास से देखिए। बस इसी स्टेप पे अब हमें अपनी वेजीज की कुकिंग को रोक देना है, और इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस एंड सॉसेस। अब इसमें डाल लेंगे हम 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे विनेगर, 1 टीस्पून हम डालेंगे सोया सॉस, मैंने इसे 1.5 टीस्पून लिया है, तो आप इसे अपनी चॉइस के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और हमने लिया है 1.5 टीस्पून टोमेटो सॉस, और अगर आपको स्पाइसी पसंद हो तो आप इसमें डाल दीजिए 1.5 टीस्पून, जो भी आपका टेस्ट के अकॉर्डिंग, रेड चिली सॉस। और अपने वेजीज और सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए 2 मिनट तक मैंने इस सॉसेस को अच्छे से पका लिया है इसे। अब हम सारा जो नूडल है उसे डाल लेंगे। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट तक अच्छे से हमने इसे चलाया और फ्राई कर लिया, अब इसे सर्व कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा हक्का नूडल्स सर्व हो गया है, और कितना टेम्प्टिंग, माउथ वाटरिंग लग रहा है। ये जितना अच्छा दिख रहा है उससे भी ज्यादा अच्छा है इसका टेस्ट। ये देखिए इसके नूडल्स कितने अलग अलग हैं, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं। तो ये थी फ्रेंड्स हमारे वेज नूडल्स की रेसिपी। आप बनाइए इस तरीके से और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।